गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उसके अंदर बात करते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जीन्स हैं जो एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है जैसे लीफ प्रिमोर्डिया, बर्ड्स, इनका कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी जीन्स हैं जो आपस में इंटरेक्शन करती है और उसको कंट्रोल करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम के मॉलिक्यूलर एनालिसिस, यानी कि जीन्स कौन कौन सी हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। यहाँ आप थोड़ा सा देखेंगे, हमें पता है कि जो मेरिस्टेम है शूट का, हाईली एक्टिव है और मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव और बिजी है, यानी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स इसमें लगातार बनते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर इसको मेंटेनेंस के लिए, इसके डायनेमिज्म को बनाए रखने के लिए दो जो जीन हैं स्पेशल, वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेंगी, और दो प्रोसेस इसके अंदर होते रहेंगे। एक तो क्या होगा कि ऑर्गनों का इनिशिएशंस, नए ऑर्गन्स जैसे लीफ प्रिमोर्डिया बनेंगी और उसके बाद न्यू लीफ ओरिजिनेट होंगी। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम एक छोटे से जोन में है, और अगर वो सारा ही डिफरेंशिएट हो जाएगा और डिफरेंट ऑर्गन्स बना देगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी सेल को भी तो बनाना है ना, यानी कि सेल्फ रिन्यूअल ऑफ द स्टेम सेल पॉपुलेशन, यानी मेरिस्टमैटिक जो सेल है उन्हें भी बना रहना है और उनसे अलग अलग ऑर्गन्स भी बनाने हैं। तो दो काम करने हैं, और ये दो काम करने के लिए इसमें दो खास जीन हैं जो ये काम करेंगी। हमने एरबिडोप्सिस के शूट का एपिकल है उसकी पूरी स्टडी किया, एकदम लेटेस्ट रिसर्च मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिन्होंने ये पूरी तरह से प्रूफ कर दिया है कैसे हुआ है कि वहाँ दो जीन हैं शूट एपेक्स में। एक जीन है क्या, होस्टेल जीन, जिसे हम होस्ट जीन भी कहते हैं, और इस जीन का काम होता है सेल को डिफरेंट ऑर्गन बनने पर डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट हो जाएंगी वो सेल्स कि भाई इन्होंने अब ये चीज़ बना दी है फिक्स। तो उस जीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेम सेल आइडेंटिटी, यानी अब आपको मालूम होना चाहिए स्टेम सेल्स क्या होती हैं। मेरिस्टेम के अंदर जो स्टेम सेल होती है, ये वो सेल होती है जिनका फ्यूचर फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी बना सकती है, यानी उसमें कुछ भी बनाने की क्षमता होती है। लेकिन उस जीन क्या करती है, उन स्टेम सेल्स को डिफरेंशिएट कर देती है, यानी कि भाई इनको लीफ प्रिमोर्डिया बनाना है तो बस लीफ प्रिमोर्डिया बना दिया, अब ये चेंज नहीं होंगी। तो उस जीन का काम क्या है कि जो नई सेल बन रही है, जिनसे जो ऑर्गन बन रहे हैं, उनमें सेल को डिफरेंशिएट कर देना, यानी उनकी एक फिक्स आइडेंटिटी बना देना। जबकि क्लेवेटा जीन है, जो कौन सा जीन, क्लेवेटा 1, 2, 3 जीन, ये हमेशा क्या करते हैं कि ऑर्गन जो फॉर्मेशन है उनकी शुरुआत करते हैं, ये ऑर्गनों का इनिशिएशन करते हैं क्लेवेटा जीन। तो इन साइंटिस्ट का जो एनालिसिस है मॉलिक्यूलर, वो क्या बता रहा है कि जो भी ऑर्गन बनेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, इन दोनों जीनों के इंटरेक्शन पर, क्लेवेटा जीन पर और होस्टेल जीन पर। जबकि क्लेवेटा जीन है 3, 1, 2, 3, जिनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, और मैं इनका आपको PDF भी शेयर करूंगा, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा। तो इनका एनालिसिस क्या बताता है कि इन दोनों जीनों का जो इंट्रैक्शन होगा वो ही मेन रोल प्ले करेगा शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उससे बनने वाले डिफरेंट ऑर्गेनल्स के लिए। जैसे दैट वन द क्लेव जीन रिप्रेस हुस, यानी होस्टेल जीन को दबा के रखेगा क्लेवेटा जीन, अदरवाइज तो सारी की सारी सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी, तो फिर आगे कैसे ग्रो करेगा, स्टेम की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी।
और किस लेवल पे? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे. एंड दैट क्लेवेटा टू हुज एक्सप्रेशन इज सफिशिएंट टू इंड्यूस मेरिस्टमेटिक सेल आइडेंटिटी. ये क्या करेगा? वूज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये क्या करेगा, फिक्स कर देगा उसकी. सेकंड बात में, पहले मैं तो इसको ये दबा के रखा हुआ जिससे कि उनकी सेल लगातार बनती रहेंगी. और क्लेवेटा जीन का जो थर्ड है वो क्या करेगा? ऑर्गन इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा. अब ऑर्गन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा तो वूज जीन काम करेगा और वहाँ पर उन सेल को क्या कर देगा? डिफ्रेंशिएट कर देगा. एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेम सेल मार्कर क्लेव थ्री. तो इनके डाटा ने बता दिया है कि शूट मेरिस्टेम है जो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है और केवल इन दोनों के इंटरेक्शन से ही कंट्रोल होता है, वूश और क्लेव से, जिसके बारे में हम अब डिटेल में बात करेंगे. तो ये हमारा मॉलिक्यूलर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं. तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मेरिस्टमैटिक जोन होता क्या है. प्लांट का जो टिप होता है उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो मेरिस्टमैटिक पार्ट होता है और दूसरा वो ये बनाता रहता है परमानेंट टिश्यू. और इसे आप जानते ही हैं, निगाली ने सबसे पहले मेरिस्टेम को बताया था. मैंने जब आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन में ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, उस ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी का आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जीन्स का रोल आपको यहीं देखना पड़ेगा. क्या है यहाँ? पहले आप देखें, ये आपको दिख रही है L1, L2, L3. यहाँ ट्यूनिका 1 आप बोल सकते हैं इसको, ट्यूनिका 2, क्योंकि ट्यूनिका आपको मालूम होनी चाहिए एक या दो लेयर. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको रेगुलर जो क्लासेस हैं, अगर आप कोई एक भी क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको ये आगे समझ में नहीं आएंगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. आप देखिएगा किस तरह से शूट में मॉलिक्यूल जीन कैसे कैसे काम करते हैं. तो ये ट्यूनिका की दो लेयर आपको दिख रही है, 1 और 2, और ये पूरा है कॉर्पस, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ. ट्यूनिका में हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं और कॉर्पस में डिफरेंट डायरेक्शन में डिवीज़न होते हैं. अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है मेरिस्टमेटिक जो एरिया है ये पूरा, यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है. फाउंड इन जोन ऑफ द प्लांट वेयर ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब आप देखिएगा, यहाँ देखें आप कैसे ग्रोथ होती है, कैसे लीफ प्रिमोर्डिया में बर्ड फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर पोजिशनल इन्फॉर्मेशन है. आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया है कि टिप जो होगा, मेरिस्टमैटिक सेल जो होगी, वहाँ से बनेगा ऑक्सीन और नीचे आएगा और लीफ प्रिमोर्डिया पर एक्यूमुलेट होने लगेगा. आप देख रहे हैं, आपको पता है कौन सा है नेचुरल ऑक्सीन? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. ये आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, बहुत कॉमन ऑक्सीन है. ये यहाँ लीफ प्रिमोर्डिया में एक्यूमुलेट हो गया है और यहाँ पर लीफ इनिशिएशन को प्रमोट करेगा. तो समझ में आया आपको, पहला तो ऑक्सीन का रोल प्ले होगा लीफ प्रिमोर्डिया के ग्रोथ के लिए. अब आप यह देखें, यहाँ पर दो खास जीन कौन कौन से हैं? ए बाउंड्री फॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ म्यूचुअली एंटागनास्टिक जीन. दो जीन हैं, कौन कौन सी जीन हैं? एक KNOX1 और ARP जीन. ये दोनों एक दूसरे के एंटागनास्टिक यानी कि विपरीत काम करती हैं. ये KNOX1 जीन एक्सप्रेस्ड इन द मेरिस्टेम और ये केवल मेरिस्टेम में ही एक्सप्रेस होगी, यानी कि इन सेल के अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो सारा मेरिस्टमैटिक एबिलिटी वाला ही होगा, KNOX1 जीन से जो बनेगा. जबकि ARP जीन एक्सप्रेस होगा प्रिमोर्डियम में. ये आप देख रहे हैं कि लीफ प्रिमोर्डिया है, इसके अंदर ARP जीन ये एक्सप्रेस होगा लीफ प्रिमोर्डिया में, जो आर म्यूचुअली रिप्रेसिव एंड हेल्प एस्टेब्लिश द सेपरेट आइडेंटिटी. इसके अंदर जो प्रोटीन होगा, इसकी सेल्स के करेक्टर और इसके करेक्टर, और यहाँ भी होगा ARP जीन, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगे. यानी कि ये और ये जो काम करेगी वो ये नहीं कर सकती, ये जो काम करेगी वो ये नहीं कर सकती. तो आपको क्लियर एक बाउंड्री इनके बीच में बनती हुई दिखाई देगी. यानी ये अपना अलग तरह से काम करेगी, यानी इनमें अब डिवीज़न नहीं होगा, और जबकि यहाँ पर कंटिन्यू डिवीज़न एबिलिटी है.
तो पहली बात तो लीफ प्रिमोर्डियम और इनके अंदर जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन में बताया था क्या है, सेंट्रल मेरिस्टमैटिक जोन है, फिर पेरिबिलेम जोन है, प्लीरोम जोन है, ये सारे बताए थे उसमें। तो वहाँ पर जो इनका डिफरेंशिएशन है यानी क्लियर कट डिस्टिंग्विशन है वो केवल किसकी वजह से है, एआरपी जीन और KNOX1 जीन की प्रेजेंस। इज इट क्लियर? तो ये जो ये दोनों जीन भी मौजूद है जो इसकी आइडेंटिटी को लगातार इसमें बना के रखती है। इज इट क्लियर? एपिकल मेरिस्टेम, यस। देखिएगा एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये मैंने डाइकॉट में आपको बताया था कि ये दो जीन हैं, ये दो जीन दोनों की आइडेंटिटी को बना के रखी हुई है, लेकिन इसके जो डेवलपमेंट है वो तो उस क्लेवेटा जीन के रेगुलेशन से ही होगी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम आप देखते हैं मोनोकॉट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता है, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम होता है और वहीं से ही ग्रो करता है, लेकिन रूट के टिप पर ज़रूर एपिकल मेरिस्टेम होता है और उसकी ग्रोथ के लिए रिवोल्यूटा जीन ज़रूरी होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। देखिए रूट का जो मॉलिकुलर एनालिसिस है वो एकदम अलग है, शूट का अलग है। रूट का आप पढ़ेंगे, ये कंसर्न टीचर है वो आपको बताएंगे, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ पर शूट का ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था ये क्लैव जीन, ये एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लैव 3 जीन आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको वूज जीन दिख रहा है, रेड कलर में आपको वूज जीन दिख रहा है और ब्लू कलर में आपको क्लैव जीन दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेल होती है, प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या होता है, स्टेम सेल्स होती है जो कुछ भी बना सकती हैं। तो ये टिप में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा और रूट है, रूट में भी अलग सिस्टम है, यहाँ पर भी हुज लाइक ही कोई क्यूसी जीन है तो वो भी सिग्नल जनरेट करेंगे। तो यहाँ से जब सिग्नल जनरेट होंगे ऊपर से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो मैं अगर एक इन विट्रो, आप जानते हैं इन विट्रो, अगर हम सेल को कल्चर मीडियम में लेकर के हम करें, प्रोलिफरेट करें, एक सेल को लेकर के ग्रुप बनाएं, क्योंकि उन सेल का भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, वो सेल भी मेरिस्टमैटिक सेल हमने यहाँ ली हुई है, तो मेरिस्टमैटिक सेल में फिर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो वो डिफरेंशिएशन में आप यहाँ देख सकते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा और रूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा, जो इन दोनों के ही जो जीन हैं इन दोनों के एक्शन से ही डिफरेंशिएशन होगा। और रूट, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन करना है एक अनऑर्गेनाइज सेल मास से, शूट भी बनाना है और रूट भी बनानी है, तो इसके लिए सैम और रैम बनाने के लिए इन दोनों से ही सिग्नल जनरेट होगा, टिप से और कहाँ से। अब टिप तो यहाँ डिफरेंशिएटेड है नहीं, टिप यानी रूट टिप और शूट टिप से, तो यहाँ से फिर आप देखेंगे तो स्टेम और रूट फॉर्म होंगे। लेकिन हम तो बात करेंगे अभी आपसे केवल शूट एपिकल मेरिस्टेम की डिटेल में बात करते हैं। यहाँ देखिएगा आप, एक 14 दिन का हमने देखा, ये आपको दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम, आपको दिखना चाहिए इसके अंदर ये वाला, ये आपको लाइट येलो कलर में दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 दिन के बाद इसने क्या किया, अभी तक यहाँ पर कौन सा जीन एक्टिवेट है, क्लैव जीन एक्टिवेट है और इन सेल्स की संख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से मेटाबॉलिज्म कर रहा है और ऑर्गन इनिशिएशन हो रहा है। लेकिन उस जीन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहाँ आप देखेंगे 14 दिन के बाद लीफ प्रिमोर्डियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। 14 डे लेटर लीव्स हैव डेवलप्ड, ये देखिएगा, यानी कि उस जीन ने बाद में इन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती है, यानी टिप करता क्या है, टिप की इम्पॉर्टेंस क्या है। सेंटर ऑफ द पोस्ट एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ ऑल प्राइमरी मेरिस्टेम। पहली बात तो एम्ब्रियो जब तक था तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा था रिजर्व फूड को कंज्यूम करके, अब जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाता है तो सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का जिम्मा किसका होता है, शूट एपेक्स का। ऑल प्राइमरी मेरिस्टेम, जो भी प्राइमरी मेरिस्टेम बनते हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, सब यही बनाएगा, मेरिस्टेम से ही तो बनाया था हमने, जो बताया था आपको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अंदर, कॉर्पस के थ्रू 3 जॉन बनते हैं इसमें।
लीव्स बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, टेंड्रिल्स बनेंगे, थॉर्न बनेंगे, सब इसी के थ्रू बनेंगे, एपेक्स के थ्रू ही बनते जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज होते जाते हैं। ये जो ऑर्गन का इनिशिएशन होता है, ये केवल दो जीन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी उनकी पूरी मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगी। सेल्फ रिन्यूइंग मास ऑफ सेल, स्टेम सेल, बैलेंस सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये सब काम किसके हैं? एपिकल मेरिस्टेम के। तो इम्पॉर्टेंस है इसकी। देखिएगा, द शूट एपिकल मेरिस्टेम में चार तरह की सेल्स आपको दिखाई देंगी। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स यानी कि इनमें क्लैव जीन एक्सप्रेस होता रहता है और इनको लगातार बनाता रहता है, और इनका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये वो चीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इमीडिएट डॉटर सेल ऑफ द स्टेम सेल, एक तो क्या होते हैं कि स्टेम सेल से लगातार बनती जाती है इमीडिएट नई नई मेरिस्टमैटिक सेल्स, उसका एक अलग ग्रुप है। ए सबजेसेंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एक सबजेसेंट ऑर्गेनाइजिंग है जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फाउंडर सेल ऑफ ऑर्गन इनिशिएशन इन सराउंडिंग रीजन, और सराउंडिंग रीजन जो होगा उसमें क्या होगा, फाउंडर सेल्स होंगी जिनको प्रिमोर्डियम बनाना है, बर्ड बनाना है। ठीक है, तो ये चार तरह की सेल किसमें है, मेरिस्टेम के अंदर है, और ये चारों तरह की सेल लगातार काम करेंगी, और ये काम करती हैं केवल दो ही जीन के इन्फ्लुएंस से। ये पूरे आप जॉनेशन भी देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। ऑर्गेनाइजेशन सेंटर आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल सेंटर में होगा। स्टेम सेल आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के ऊपर में आपको दिखाई दे रही हैं। L1 ट्यूनिका आपको दिख रही है, L2 ट्यूनिका दिख रही है, L3 में आप देखेंगे पूरा कॉर्पस जॉन है, ये वाला कॉर्पस जॉन है। पेरिफेरल जॉन आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये तो डिफरेंशिएट हो गई है, पिथ और रिब मेरिस्टेमेटिक सेल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब कैसे ऑक्सिन का ट्रांसलोकेशन होगा, कैसे ये जीन एक्टिवेट होंगी, जीन का मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार बता देता हूँ कि जो खास ये तीन तरह की जीन्स हैं किसके अंदर, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। ये तीसरी जीन है आपकी शूट मेरिस्टेम लेस, STM। देखिएगा, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तभी इनका रोल प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, चलिए ये पूरा डिटेल में आपको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।